नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। जब से शिवराज सरकार सत्ता में आई है, तब से अधिकारी अपने दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं। प्रदेश में सरकार के सख्त रवैये ने इन पर लगाम लगा रखी है। सबको पता है कि अगर कुछ गलत किया तो कार्रवाई होनी तय है। इसी वजह से प्रदेश के अधिकारियों में ईमानदारी की लहर उठ रही है। जहां लोग सवाल उठाते थे कि प्रदेश में अधिकारी लोगों की सुनते नहीं, मनमानी करते हैं, तो वहीं अब अधिकारी अपने काम को पूरे सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश की पुलिस भी अब जनता की सेवा में तत्पर है और लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। वहीं अधिकारी भी ऐसा काम कर रहे हैं जो जनता के लिए एक सीख है। आज हम प्रदेश के एक ऐसे ही डीएम के बारे में आपको बताएंगे। आपने अक्सर जितने भी डीएम या किसी अधिकारी को देखा होगा, उनको रुतबे में चूर और अपने छोटे अधिकारियों को लताड़ लगाते ही पाया होगा। लेकिन हम एक ऐसे डीएम साहब के बारे में आज आपको जानकारी देंगे जो सबसे अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ के डीएम नीरज कुमार सिंह की। डीएम साहब ने अपने काम से एक अलग ही मिसाल पेश की है, जिसकी वजह से वो अब सुर्खियों में बने हैं और लोग कह रहे हैं कि शिवराज के अधिकारी ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं। दरअसल कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने खुद पर ही जुर्माना लगा लिया है। जरा एक बार सोचिए, ऐसे मामले रेयर ही होते हैं जो कि अरसे बाद ही सुनाई देते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कोई डीएम खुद पर जुर्माना क्यों लगा लेगा। तो हम आपको बता दें कि ये सूबे की शिवराज सरकार का कमाल है। कहते हैं कि परिवार का मुखिया अगर ईमानदार हो तो परिवार के सदस्य भी वैसा ही आचरण अपनाने लगते हैं। तो डीएम साहब ने ऐसा करके वाकई में शिवराज सरकार के अनुशासन और सुशासन का सबूत पेश किया है। अब डीएम ने खुद पर जुर्माना लगाया सो लगाया, अपने विभाग के अधिकारियों पर भी जुर्माना ठोक दिया है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि डीएम साहब ने आखिर ऐसा किया क्यों। तो आपको बता दें कि डीएम नीरज कुमार सिंह मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, सीएम हेल्पलाइन और ऐसे ही कई विभागों की समीक्षा कर रहे थे, जिनमें लंबित मामलों की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर महोदय ने अपने साथ साथ विभाग से संबंधित अधिकारियों पर भी जुर्माना लगा दिया। आपको बता दें कि यह जुर्माना उन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया गया था जिनकी शिकायतें मिलने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लगभग 1140 शिकायतों के लंबित होने पर 1,00,000 से अधिक रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीएम साहब ने हर शिकायत पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है और डीएम ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द इन सभी लंबित शिकायतों पर काम किया जाए। डीएम ने कहा कि जो मामले लंबित पड़े हैं उनमें जितनी गलती दूसरे अधिकारियों की है उतनी मेरी भी है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए मैंने ऐसी कार्रवाई की है। वाकई डीएम साहब ने जो काम किया है वो समाज के लिए एक अच्छा संदेश देता है। चाहे आप अधिकारी हो या फिर कोई और, अगर आप गलत हैं तो उसे स्वीकार कर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ एमपी। हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।